नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निकाली रिक्तियां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्याग ने ऑडिटर अकाउंटेंट के कुल मिलाकर 10,881 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 19 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट cag.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मोदी सरकार के आम बजट की रही एक खास बातें। 1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट पर सारे देशवासियों की निगाहें टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। इस बजट में टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को इनकम टैक्स देने से पूरी तरह से छूट दी गई है। आम बजट में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए सेस लगाने का ऐलान किया गया है। इसका उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। वहीं कॉपर और स्टील के साथ ही सोना चांदी में भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसके साथ ही टैक्स असेसमेंट की अवधि को 6 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। बिहार में बदले गए बिजली के जर्जर तार। बिहार में बिजली के तारों को बदलने का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत बिहार में 2,827 करोड़ खर्च के साथ बिजली के जर्जर तारों को बदलने का काम कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 2,827.51 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 71,672 सर्किट किलोमीटर खराब और बिजली की जर्जर तार 31 दिसंबर 2021 को ही बदलने का ऐलान किया जा चुका था। हालांकि पिछली डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को घटाकर 15% प्राप्त करने का लक्ष्य अभी भी बताया गया है, जिसको कि मार्च 2021 तक लगभग 24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिजली कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को करीब 22% रहने का अनुमान जताया है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के लिए बिजली चोरी रोकने सहित अन्य उपायों पर काम करने की जरूरत है। 4 फरवरी तक कोल्ड डे की जताई गई संभावना। बिहार में कई दिनों से मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। इतने दिनों राजधानी पटना में रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखने को मिली थी। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटे में रात के तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। इसके साथ ही दिन के तापमान में भी आने वाले दिनों में हल्की वृद्धि की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 4 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है, जिसके बाद अब बिहारवासियों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड ने बीते 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आसानी से कर सकेंगे तीर्थ स्थलों की यात्रा। तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए अब यात्रियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। समस्तीपुर रेल डिवीजन के DRM अशोक महेश्वरी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के माहौल में लंबे अरसे बाद यात्रियों के लिए इन ट्रेनों की शुरुआत की गई है। IRCTC की तरफ से संचालित दक्षिण भारत के दर्शन के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर रेल मंडल के रक्सौल से खुली। यह ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर स्टेशन से होते हुए यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम एवं जगन्नाथपुरी के प्रमुख तीर्थ स्थल के दर्शन कराएगी। अब पुलिसकर्मी पहनेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट। बिहार पुलिस को अब तकनीक से जोड़ने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत बिहार पुलिस को अब बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मे, टैक्टिकल लाइट की खरीद की जानी है। इसके साथ ही 33 करोड़ रुपए से नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। वाहन खरीद के लिए राशि की स्वीकृति सरकार से मिल गई है और उपकरण की खरीद के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने टेंडर भी जारी कर दिया है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। साथ ही जिला पुलिस और इकाइयों के लिए वर्ष 2019-20 में रद्दीकरण के विरुद्ध नए वाहनों की खरीद की स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत करीब 30.32 करोड़ की लागत से 379 लाइट मोटर व्हीकल और 2.71 करोड़ की लागत से 302 मोटरसाइकिल की खरीद की जाएगी। तेजस्वी ने बजट को बताया देश को बेचने का सेल। बीते दिन पेश किए गए बजट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जिसके तहत विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह बजट नहीं देश को बेचने का सेल था। केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। अब बजट भाषण चल रहा था तो बिहार के सांसद मेज थपथपाने का काम कर रहे थे। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। केवल ठगने का ही काम तो किया गया। केंद्र सरकार किसानों के आय को दोगुना करने का दावा करती रही है, लेकिन इस बजट में तो किसानों का हाल और भी बुरा करने की कोशिश की गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है।
देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए 2 फरवरी साल 1844 में पिट्स नियामक अधिनियम को लागू किया गया था। भारत ने 1952 में मद्रास में पहला टेस्ट क्रिकेट आज ही के दिन जीता था। शंभुनाथ पंडित 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1953 में आज ही के दिन किया गया था। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी साल 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। देश के जाने माने लेखक, कवि और स्तंभकार खुशवंत सिन्हा का जन्म 1915 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री शमिता शेट्टी का जन्म 1979 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को वर्ल्ड वेट्सलैंड डे और वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जाने के लिए चलाई जाएगी ट्रेन। बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आने जाने के लिए अब ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए वन विभाग द्वारा एक प्रस्ताव पूर्व मध्य रेलवे को भेजा गया है। विभाग के प्रधान वन संरक्षक ए.के. पांडे ने बताया है कि पाटलिपुत्र जंक्शन से सोनपुर होते मुजफ्फरपुर के रास्ते नरकटियागंज तक एक नई वाल्मीकि व्याघ्र एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए या फिर जो ट्रेन चल रही है उसके समय में परिवर्तन करके इस रूट पर ट्रेन चलाई जाए। अगर ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से रात 10:30 से 12 बजे के बीच खुलती है तो पर्यटक दिन सुबह 5 बजे तक पहुंचकर दिन भर घूम सकेंगे। ट्रेन के वापसी का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच निर्धारित करने की मांग प्रस्ताव में की गई है। पटना में नवनिर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल 15 दिनों में हो जाएगी शुरू। पटना के बैरिया में नवनिर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से 15 दिनों में बस सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। इसके लिए डीएम ने रविवार को निरीक्षण कर 15 दिनों के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अभी तक 20 बसों की व्यवस्था हो गई है। आपको बता दें, पहले चरण में गया और जहानाबाद के लिए टर्मिनल चालू करने पर विचार किया जा रहा है। डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने जल्द ही आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश निर्माण एजेंसियों को दे दिया है। साथ ही शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कई योजनाओं पर काम हो रहा है। पटना के बोरिंग रोड पर जाम की समस्या से निपटारा के लिए एएन कॉलेज के पास यूटर्न बनाई जाएगी। राज्य के किसानों के लिए गांव में लगाई जाएगी खेती पाठशाला। मौसम में बदलाव के अनुसार किसानों को फसल उगाने की शिक्षा अब कृषि विभाग द्वारा खेत पाठशाला लगा कर दिया जाएगा। बिहार में मौसम अनुकूल खेती के लिए चयनित 190 गांव में खेती पाठशाला लगाए जाएंगे, जहां जिले भर से किसान जुटेंगे। वैज्ञानिक किसानों को खेती के लिए नए तकनीक की थ्योरी बताई जाएगी, जिसके बाद किसान प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। गांवों में पाठशाला लगाने के साथ ही किसानों को पूसा के बीसा फॉर्म भी ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि 38 जिलों में मौसम के अनुकूल खेती शुरू है। हर जिले से 5 गांव इस तकनीक के लिए चुने गए हैं। हर जिले में यह प्रशिक्षण 623 एकड़ जमीन पर हो रही है। राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या में किया जाएगा 2 गुना इजाफा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। पहले चरण का वैक्सीनेशन जल्द पूरा हो, इसके लिए केंद्रों की संख्या 2 गुनी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 10 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 600 केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही है। राज्य के 4,64,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन के लिए निबंधन कराया है। इसमें से 1/3 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बीपीएसएससी मुख्य परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हुआ डेटशीट। बीपीएसएससी ने दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 15 मार्च 2021 को शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग पटना के खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएसएससी के विभिन्न पदों के लिए 15,231 अभ्यर्थियों को पीटी एग्जाम के लिए सफल घोषित किया गया है। इसमें से कुल 2,446 पदों पर नियुक्ति होनी है। मेरिट लिस्ट में पद के 6 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इसमें 9,924 पुरुष और 5,307 महिला अभ्यर्थी शामिल है। रालोसपा और जाप ने बजट को लेकर कसा तंग। बीते दिन बजट पेश होने के बाद बिहार में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को संतुलित बनाने की कोशिश की है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर विचार नहीं किया गया है। रालोसपा के प्रधान महासचिव ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, जबकि वेतनभोगी यह आस लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 75 साल के ऊपर के पेंशन भोगियों को आईटीआर में छूट दी गई है। वहीं पप्पू यादव ने भी इसे थकाऊ बजट घोषित किया है। बंगाल के बाद अब जदयू ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी उतरने का किया ऐलान। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वहीं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अब जदयू ने भी कमर कसने का काम कर लिया है, जिसके बाद पार्टी ने अब अपने दमखम पर तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अनुभवी नेता केसी त्यागी को दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उन्हें प्रभारी बनाया गया है। हालांकि उन्होंने अपने काम को भी शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा शुरू कर
कर दिया गया है। वो पिछले दिनों लखनऊ का दौरा भी कर चुके हैं। वो फरवरी में वाराणसी का दौरा प्रस्तावित है। पटना एम्स में जल्द शुरू होगी सामान्य ओपीडी सेवाएं। पटना एम्स में अगले हफ्ते से सामान्य ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। एम्स प्रशासन और वरीय चिकित्सक की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में अभी सीमित ओपीडी सेवा चालू है और इसके माध्यम से मरीजों की भर्ती भी हो रही है, लेकिन कोरोना वार्ड में मरीजों की संख्या में लगातार कमी होने के कारण अब अस्पताल प्रशासन फिर से तमाम सेवा बहाल कर सकता है। कोविड अस्पताल बनने के बाद से पटना एम्स में मरीजों को कम संख्या में भर्ती किया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन द्वारा बैठक में उम्मीद जताई गई है कि अगर मरीजों की संख्या इसी तरह कम रही तो अगले सप्ताह से आम लोगों के लिए सामान्य ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। अक्षरा सिंह को मिला आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020। अभिनय, गायकी और नृत्य प्रतिभा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी भोजपुरी सिने जगत की लोकप्रिय अदाकारा अक्षरा सिंह को बीते दिन पटना स्थित न्यू पटना क्लब में आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अक्षरा सिंह को यह सम्मान उन्हें भोजपुरी कला जगत में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक डॉ रंजीत कुमार सिंह के हाथों दिया गया। उनके अलावा आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड मिला है। लालू यादव की तबियत को लेकर मीसा भारती ने जारी किया बयान। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब चल रही है। हालांकि अब उनकी तबियत को लेकर राजद सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लालू यादव की स्थिति पहले से बेहतर है। उनकी सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी वो डॉक्टर की कड़ी निगरानी में है और अभी सीएन टावर के प्राइवेट वार्ड में एडमिट है, जिसके बाद अब लालू यादव के जल्द ही अस्पताल से निकलने की उम्मीद परिजनों के साथ साथ डॉक्टरों के बीच भी देखने को मिल रही है। ऐसे में लालू यादव के समर्थक भी इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे हैं। अनाज गोदाम की कमी से धान की खरीद में आई कमी। अनाज गोदाम की कमी से धान की खरीद में भी आई कमी। पटना में अनाज गोदाम की कमी होने के कारण धान के तय लक्ष्य से कम मात्रा में खरीदारी की गई है। धान कुटाई के बाद उसे रखने के लिए जिले में 13 गोदाम हैं, जिनमें से 9 पहले से ही भरे हुए हैं। ऐसे में नए धान की खरीद और उसके कुटाई के बाद चावल के तौर पर संग्रहित करने में जगह की कमी हो गई है। पटना में अब तक किसानों में तय किए गए लक्ष्य का 60% ही धान खरीदा जा सका है। धान खरीदारी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीएम लगातार बैठक कर रहे हैं। जिले में अब किसानों से 21 फरवरी तक धान की खरीदारी होगी। किसान आंदोलन पर शाहनवाज हुसैन ने दिया अपना बयान। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नवनिर्वाचित एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन बीते दिन अपने पैतृक आवास पर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुए प्रदर्शन को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि किसान आंदोलन कर रहे अपने ही लोग हैं, उनके बीच कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों के विरोध में नहीं है, लेकिन लाल किले और तिरंगा के अपमान के विरोध में है देश। जब 26 जनवरी के दिन हम लोग पहले से कहते थे कि आप ट्रैक्टर रैली नहीं करें, लेकिन ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई है, तो किसानों के नाम पर इस देश का अपमान किया गया है, जिससे सारा देश गुस्से में नजर आ रहा है। भवन निर्माण के कामगारों के लिए होगा पेंशन का प्रावधान। श्रम संसाधन विभाग विशेष अभियान चलाकर राज्य के सभी भवन निर्माण कामगारों को अपने से जोड़ने का काम करेगा। इन कामगारों की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना इस अभियान का उद्देश्य है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा राजमिस्त्री, मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन समेत कुल 20 तरह के कामगारों का निबंधन कराया जाएगा। इन्हें औजार खरीदने के लिए 15,000 तक की सहायता मिलेगी। साथ ही इन्हें केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 18 साल से 40 साल तक के मजदूर को पेंशन मिलना है। सिवान के मैरवा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इष्टदेव बाबा हरिराम ब्रह्म की नगरी मैरवा धाम में बाबा हरिराम के दर्शन के बाद ही मैरवा में कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ होता है। चैत्र रामनवमी पर एक महीने के मेले एवं नवरात्र पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए विभिन्न प्रांतों से भी भक्तगण आते हैं। कनकगढ़ के राजा कनक सिंह दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास का आगमन हुआ। तुलसीदास की मुलाकात इष्टदेव हरिराम ब्रह्मा से हुई और जब दोनों दरबार पहुंचे तो तुलसीदास ने कहा कि यह कनकगढ़ कनक और कंचन की तरह है। यह कंचनपुर मुक्ति धाम बनेगा। कालांतर में यह मुक्ति धाम, फिर हरिराम धाम और अब मैरवा धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को बताया संतुलित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पेश किए गए बजट को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने इस बजट को संतुलित बताया है। बजट को लेकर उन्होंने आगे कहा कि साल 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो साल 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च से 30.42 लाख करोड़ रुपए अधिक है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41% राशि राज्य सरकार को दी जाएगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई।
गई है, जो पिछले साल से 137% अधिक है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना भी की जाएगी, इस बात की खुशी है। बिहार के सरकारी स्कूल है अतिक्रमण की चपेट में। बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूल की जमीन अतिक्रमण के चपेट में है, और बड़ी बात यह है कि जिलों के पास बड़ी संख्या में स्कूल के जमा किए गए कागजात मौजूद ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई कागजात ही गायब है, कहीं है भी तो कहाँ है और किसके पास रखे गए हैं इसकी जानकारी ना तो फिलहाल जिला शिक्षा प्रशासन को है और ना ही शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। मौजूदा जानकारी के अनुसार ये जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। जिला प्रशासन और संबंधित जिला शिक्षा प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ जानकारी मौजूद है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिलों में से मिली जानकारी के मुताबिक 38 में से 7-8 जिले ने बार बार मांगे जाने के बावजूद शिक्षा विभाग को जमीन का विवरण अभी तक नहीं दिया है। विराट कोहली जल्द ही तोड़ सकते हैं रिकी पोंटिंग और सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। रिकी पोंटिंग और सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड अब खतरे में नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जल्द ही इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिसके तहत भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। 2016 में खेली घरेलू सीरीज में कोहली ने इंग्लिश टीम के खिलाफ जमकर रन बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ से विराट के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को भी पीछे छोड़ने का शानदार मौका होगा। घरेलू सरजमी पर खेलते हुए रिकी पोंटिंग ने बतौर कप्तान 11 टेस्ट शतक जड़े हैं। कोहली टेस्ट कप्तान के तौर पर अब तक 10 सेंचुरी लगा चुके हैं और उनको रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने के लिए महज एक शतक लगाने की दरकार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है काजल कुमारी, रूपेश कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, साहिल कुमार, गजेंद्र सिंह, ओमकार सिंह, मनीष कुमार, प्रेमचंद्र कुमार, मृत्युंजय कुमार, मनोहर जोशी, मृत्युंजय सिंह, तरुण कुमार, राकेश कुमार, मुन्ना कुमार, गौतम यादव, सूरज कुमार, गुनगुन कुमार, प्रिंस राज, बबीता यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।